हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होप एवरीथिंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ मिंत्रा विंटर वेयर हॉल, जो पर्सनली मैंने खुद पहना है। वही वही सारे आउटफिट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, लाइक स्वेटर, कोट, जो भी मैंने वेयर करा है वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपने मेरे इंस्टाग्राम वीडियोज़ और फोटोज़ पे देखे हैं। और उसके बहुत ज़्यादा डिमांड भी किया है कि लिंक दो लिंक दो, तो मैंने फाइनली वीडियो बना दिया है। और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी मैंने वेयर करा है ऑनलाइन जो भी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पर चेक कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके सपोर्ट करो गाइज। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने पिक करा है नेवी ब्लू ड्रेस, और ये पूरी बॉडीकॉन ड्रेस है गाइज, ए लाइन लाइक लॉन्ग फिट में, एंड साइड पे इस पर कट मिल रही है, एरर इस पर लिखा हुआ है, और विंटर वेयर है ये, लाइक नीटेड स्वेटर काइंड ऑफ है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, और क्योंकि विंटर सर्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने इसको ब्लेज़र के साथ स्टाइल करा है। और ये भी ब्लेज़र मिंत्रा से है। इसका प्राइस, ड्रेस की प्राइस मैं बता दूँ, 1349 है, और ब्लेज़र की प्राइस 1200 रुपीज़ है, जिस पे डबल ब्रेस्टेड सॉरी वाइट डबल बटन सॉलिड कोट इस पे मेंशन करा हुआ है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ ये ब्लेजर बहुत ही ब्यूटीफुली जा रही है। ब्लेजर बहुत ज़्यादा वार्म आपको सिंगल नहीं रखेगी, सो अगर आप ऐसा कुछ स्वेटर वाली ड्रेस पहन रहे हो देन ये ब्लेजर आराम से इस विंटर कैरी कर सकते हो। बट ये ब्लेजर थोड़ा कम सर्दी के लिए ज़्यादा बेटर है। लेंथ वगैरह बहुत प्यारी है, और ड्रेस और ब्लेजर बहुत 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 औसम है गाइज, मैं दोनों को हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड इसके साथ मैंने जो बूट स्टाइल करा है ये है डिलाइज ब्रांड से, थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसको हॉल में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने मेरे बूट वाला हॉल नहीं देखा है तो आप वो चेक कर सकते हो। और ये बूट्स मैं बहुत ज़्यादा वेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल है, लेदर लुक में बहुत स्टाइलिश है। सो कुछ इस तरीके से ये ड्रेस दिखती है, जो मैं आपको बिना ब्लेजर की भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे बाहर मॉल में पहना था, सो वहीं पे मैंने सूट करके आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं एक ऐसा हॉल बनाना चाहती थी जो मैं खुद वेयर करती हूँ। वही क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये वेयर करते हो, यानी कि ऑब्वियसली मैं वही आपको हॉल्स में दिखाती हूँ जो मैं खुद वेयर करती हूँ। सो ये ड्रेस मैंने पहना था, ये बैग सरोजनी से है, सो इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ, मैं 200% दोनों को रिकमेंड करूँगी। एंड इस पर मेरा साइज ब्लेजर पे लार्ज है, ड्रेस पे मीडियम है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये मरून कोट, और ये लॉन्ग लाइन कोट है गाइज, और ये मुझे मिली है 2997 में, इसमें मेरा साइज़ लार्ज है। और इसके अंदर जो मैंने बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस स्टाइल करा है ये भी मिंत्रा से, ये मुझे 507 पे मिली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टॉकिंग्स बहुत पुरानी है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट सिमिलर कुछ मिलता है तो 100% मैं डाल दूंगी। और ये जो बूट्स मैंने ली है ये भी मिंत्रा से है, और ये मैंने मैच करके ही दोनों पेयर लिया था। ये मरून फिर इस मिड टॉप फ्लैट बूट से गाइज, जिसका प्राइस 1719 है, साइज़ मेरा 37 है, मैं 5 नंबर वेयर करती हूँ। और ये जो स्वेट बूट सॉरी जैकेट है, जो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस ब्रांड की जैकेट मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, और इसकी जो जैकेट्स होती है वो बहुत रेयर मिलती है, साइज़ अवेलेबल नहीं होती है। सो मैं बोलूँगी मस्ट ट्राई जैकेट अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और बूट्स भी बहुत प्यारा है, बहुत कम्फर्टेबल है गाइज, और इस तरीके की इस कलर में बूट्स भी मेरे पास नहीं थी, और इसमें हील्स भी नहीं है। सो बेस्ट पार्ट है कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और बैग सरोजनी से है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। सो ओवरऑल पूरा जो लुक है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, जैकेट 200% रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि स्वेट मटेरियल बट ऐसा लगेगा ना आपने कुछ वेलवेट में वेयर करा है, तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। जैकेट का साइज लार्ज है, और जो ड्रेस मैंने पहना है ब्लैक कलर की, वो फुल स्लीव में बहुत प्यारी है। आप लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको मिंत्रा पे नजर आ जाएगी कि ड्रेस कैसी है, वो भी पूरी मतलब वार्म वाली ड्रेस है, ऐसा नहीं है कि लाइक विंटर आपको फील होगा बहुत ज़्यादा। तो दोनों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, और जो भी स्टॉकिंग्स का लिंक मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और हमेशा मेक श्योर करो कि विंटर्स में ना ऐसे स्टाइल करो, लाइक ड्रेस अगर आप कंफर्टेबल हो, सर्दी ज्यादा नहीं है तो विदाउट स्टॉकिंग्स भी स्टाइल कर सकते हो, बट यहाँ सर्दी बहुत है और मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैंने स्टॉकिंग्स के साथ स्टाइल करा है। इस तरह के लुक आप 100% ट्राई कर सकते हो, विंटर्स में गाइस बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट मैंने ये पिंक पुलओवर लिया है, और ये मुझे मिली है 1100 रुपीज़ में, करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है गाइज। ये थोड़ा बैगी कफ्तान काइंड ऑफ डिज़ाइन, आप साइड से देख सकते हो, पूरा स्टीच करा हुआ है कुछ इस तरीके से, और इस कॉलर नेक के साथ आती है, बैग भी बहुत प्यारी है। अगर आपको अपना टमी और बैक हाइड करना है तो ऐसे लूजी वाले स्वेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे पर्सनली भी ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी बैगी बैगी, तो मैंने ये लिया है। मीडियम मेरा साइज़ है, आप अपना परफेक्ट साइज लोगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। और इसको मैंने पहना था सरोजनी नगर में, जो आपने बहुत क्वेश्चन करी
रही थी कि कहाँ से लिया है, तो मैं फ़ोटो इंसर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई। बगल में आपको दिख रहा होगा कि मेरी पूरी पैकेजिंग चल रही है, मैं वापस घर जा रही हूँ और ये मैंने बस आपको दिखाया पहन कर कि ये कैसी लग रही है। तो 200% रिकमेंड करूँगी। जीन्स जो मैंने अभी पहना है ये भी मिंत्रा से है, इसका भी लिंक दे दूँगी। यहाँ पर मैंने आपको पैंट के साथ दिखाया है, सॉरी गाइस, क्योंकि आप सामान देख सकते हो बगल में, बहुत ज़्यादा मुझे पैकिंग करनी थी तो जल्दी जल्दी में मैंने आपको ये दिखा दिया। और जीन्स भी बहुत बहुत औसम है, जीन्स मुझे मिली है 900 समथिंग में, साइज़ मेरा 30 है और दोनों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। सरोजनी का बैग है और बूट्स जो है वो शीन से है, बट इसका कुछ सिमिलर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। सो इस दिन बारिश बहुत हो रही थी तो मैंने अंदर से भी एक हाईनेक पहना है क्योंकि बहुत सर्दी हो रही थी, तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हो। वैसे काफ़ी स्वेटर काफ़ी वार्म रख रही है, दिल्ली की पिक सर्दियों के लिए तो नहीं है, बट हाँ अगर नॉर्मल सर्दी पड़ रही है तो उसके लिए काफ़ी वार्म है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ग्रीन लॉन्ग लाइन जैकेट और ये फ्रॉक टेलर जैकेट काइंड ऑफ है गाइज। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मुझे 3900 रुपीज़ में मिली है, बट ट्रस्ट मी एक रुपये इसका वर्थ है। ये बहुत बहुत प्यारा है गाइज, स्वेड मटेरियल, बट ऐसा लगेगा ना आपने कुछ वेलवेट सॉफ्ट मक्खन वेयर करा हुआ है। और जो इसका जो ए लाइन फिट है ना वो मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसे रखने वाली नहीं थी, बट ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा मुझे ये प्यारा लगा कि इतना कलर इसका बॉटल ग्रीन बहुत प्यारा है और देखने में भी बहुत ऑसम लग रहा है। सो मैंने बोला कि यार इतनी प्यारी जैकेट तो स्टॉक में मिलती नहीं है। सो टू पॉकेट्स आपको फ्रंट पे मिल रही है और ये ऊपर से टिप टॉप वाला बटन है, लाइक अंदर डालने वाला नहीं है। और टू बटन्स फ्रंट में मिल रही है और टू पॉकेट्स फ्रंट पे मिल रही है। मेरा इस पे साइज़ मीडियम है, परफेक्ट फिट आ रही है और इसको मैंने स्टाइल करा है वाइट स्वेटर के साथ। ये 100 रुपीज़ में स्वेटर मैंने सरोजनी से ली थी और मैंने कुछ पुराना पैंट अपना डाला है जो काफ़ी पुराना है, H&M से, इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। ईयरिंग सेम से, इसका भी लिंक नहीं दे पाऊँगी। बूट्स का सिमिलर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो इसको भी वन पीस के साथ स्टाइल करोगे ये भी बहुत ऑसम लगेगी, ट्रस्ट मी। बट इसको मैंने पहन के साथ स्टाइल करा है। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और ये लुक भी पहनकर मैं बाहर गई थी, बट जहां मैं गई थी वहां पे शूट नहीं कर पाई इसलिए। सो राइट ना मैं बाहर ही निकल रही हूँ, तो सारे लुक जो भी मैं आज आपको दिखा रही हूँ वो सारा मैंने बाहर ही वेयर करा है। सो आपको कैसी लगी आप प्लीज कॉमेंट में आइए, हॉल के बारे में जरूर बताना कि विंटर स्टाइलिंग आपको मेरी पर्सनल स्टाइलिंग कैसी लग रही है। और हाईली रिकमेंड कर रही हूँ इस जैकेट को। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये लॉन्ग कोट जो H&M ब्रांड से है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 449 रुपीज़ की गाइस। जब मैं अभी H&M गई थी रिसेंटली मॉल ऑफ इंडिया में, तो मैंने ऐसे जैकेट कोट्स बहुत ज़्यादा देखे और कुछ चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आई, तो मैंने ऑनलाइन मंगा कर भी ट्राई करा कि बेटर थोड़ा समझ में आई, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करके ना मेरी ऑनलाइन वाली बहुत गंदी हैबिट हो गई है। तो अगर ऐसे जैकेट ना आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर देखोगे, लाइक फॉरेंस की ज़्यादा देखोगे कुछ स्टाइलिंग वीडियोस में। सो H&M की ये जैकेट्स बहुत चलती है, बहुत अच्छी भी लगती है। क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो क्वालिटी बहुत 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 ऑसम है, बट ये पहनने के बाद ना लाइक अगर आप इसको ठीक से स्टाइल नहीं करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मैं ट्राई कर रही थी, सो मुझे ये लगा ना जैसे ये बाथरोब की लुक दे रही है। सो थोड़ा सा वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो गया, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ये बाथरोब की ही लुक देगी, इस पर सिर्फ आपको स्टाइलिंग बढ़िया करनी है। अगर आप स्टाइलिंग बढ़िया करोगे तो ये जैकेट बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो दूसरी चीज़ हुई वो मुझे मेरी साइज़ नहीं मिली, बहुत बैगी साइज़ आ गई, तो थोड़ी फिटेड होती तो आई गेस कि ज़्यादा प्यारी लगती और थोड़ा स्टाइलिंग बेटर होता तो ज़्यादा प्यारी लगती। तो जैकेट तो मुझे बहुत पसंद आई, बट मैं इसे इस कलर में नहीं रख रही हूँ, मैं इसका ब्लैक कलर मंगाऊंगी तो उसका थोड़ा स्टाइलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और इस पर ना आप अगर ऐसे देखो, क्योंकि मैंने ब्लैक ब्लैक पे डाल दिया, कोई कलरफुल टॉप या कुछ डालती तो ज़्यादा बेटर लगता। सो आपको क्या ये बाथरूम लग रही है, मुझे ऐसी लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। उसके साइड में ना स्लिट आ रही है, तो जैकेट्स में ना बहुत कम ऐसे साइड में स्लिट होती है और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। सो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी एक्सपेंसिव हॉल दिखाई है क्योंकि मैं जैकेट्स में हमेशा इन्वेस्ट करती हूँ, मैं ट्राउज़र और पैंट्स में इन्वेस्ट करती हूँ, बूट्स में करती हूँ, बट मैं टॉप बहुत सस्ते लेती हूँ क्योंकि जैकेट्स आपकी सालों साल चलती है गाइस। तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लोग हैं ना तो बहुत टाइम तक चलती है। और बूट्स भी मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 साल पुराना बूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो आपको मेरे शीन हॉल में ऐसे बूट्स देखने को मिलेगी जो 2 साल पुराना वीडियो मैंने बनाया है और 3 साल तो मुझे लिया हुआ हो गया होगा, ये 2.5 साल। तो बूट्स बहुत लंबी चलती है और वो ख़राब भी नहीं होती है। तो बूट्स और जैकेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, अदरवाइज सस्ते भी अच्छे होते हैं वह इनकी क्वालिटी, बट वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती है। सो कैसी लगी आज का हॉल कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। ये सब बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।